खबर देवरिया जनपद से, जहां गौ माताओं के लिए श्री गौपुत्र सेवा समिति के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के आर्थिक सहयोग व समाज सेविकों के सहयोग से विगत 7 से 8 दिनों से प्रतिदिन करीबन 2000 से ज्यादा आयुर्वेदिक लड्डू बनाकर जयपुर के सभी क्षेत्रों में वितरण किया जा रहा है। श्री गौपुत्र सेवा समिति के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिदिन आयुर्वेदिक लड्डू में हल्दी, काली जीरी, सनाम का पत्ता, आंवला, शुद्ध देसी गाय का घी, देसी गुड़ आदि मिश्रण कर आयुर्वेदिक लड्डू बनाए जा रहे हैं। श्री गौपुत्र सेवा समिति के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्यकांत व्यास ने बताया कि श्री गौपुत्र सेवा समिति के कार्यकर्ता एक फोन कॉल पर पहुंच रहे हैं, साथ ही गौ माताओं की हर पीड़ा को दूर करने के लिए दौड़ रहे। गौ माताओं के लिए श्री गौपुत्र सेवा समिति सदैव 24 घंटे तत्पर है। राजस्थान सहित पूरे भारत वर्ष में कहीं पर भी गौ माता तकलीफ में दिखे तो आप हमें कभी भी बता सकते हैं, समित हमेशा आपके लिए सदैव तत्पर है। तिवरिया जनपद से त्रिभुवन कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। प्रधान जी लाडू बना रहेगा अभी। क्या क्या चीज है इसमें? ये तो भाई खोल के देख लो तुम क्या क्या है। इसमें लेता खड़ा हो जाए क्या? क्या की रात की गोदू की डाल आंवला जीरी पत्ती काला जीरा दिल को जान दिया ही कौन उड़ रहे थे अगली बार बना हुआ था किसने? अरे सिगरेट की लोकल सिगरेट की भयंकर गला पकड़ लिया। कब? कल। अरे नहीं कावड़ ले गया गोल्ड 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 कौन से आपने क्या दे भाई बहुत। अरे कुर्सी दो यार। ले 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 ले